Yes, good afternoon everyone. So again, let us continue with polynomials, right? So beta, in our last class we were doing one question in which we have to factorize the cubic polynomials. Can anyone tell me which is that question? I'm writing one polynomial, just tell me whether it was the same which I told you that we will continue it on Monday. Was it the same question? Anyone? Hurry up. Dekho apni notebook. If it is not the same, then kindly tell me. No one is responding, beta. Am I audible? Dhiren? Pranay? हाँ जी प्रणय, what happened to everyone? Why everyone is not raising the hand? Why you are not responding? What is the problem? Only one child has raised the hand. I cannot proceed, beta, until I come to know that whether I am audible, whether you are listening to me. Please, everyone, what happened? Aparan, okay, Aparan, ek minute ruk. Aparan, raise your hand. Yes, ma'am. हाँ जी, beta, मेरी आवाज बिल्कुल clear है. Yes, ma'am, clear. बिल्कुल क्लियर है. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. And now students, you are not responding. This is not good at all. Online, you are taking very much extra advantage of your teachers also. Ultimately, you have to come in the school only one day. And we keep on noticing which students are responding and which students are not responding. Class लगाना ही sufficient नहीं है. Class में response देना भी important है. Yes, Renuka. मैम वो ये क्वेश्चन नहीं है बुक में, नहीं जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन. नो मैम, ये वाला क्वेश्चन नहीं है. कौन सा क्वेश्चन था बोलो फिर. मैम वो क्वेश्चन है 2x³ - 5x² -19x + 42. ठीक है, थैंक यू रेणुका. ओके मैम. ओके, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग. चाहे ये ले लेते, बट लेट अस टेक द सेम क्वेश्चन व्हिच वी वर डिस्कसिंग. 2x³ - 5x² - 19x + 42. सो अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम किसी भी तरीके से ऐसे कॉमन लेके फैक्टराइज नहीं कर सकते. अगर हम इसको और इसको कंबाइन करते हैं, तब भी अगर हम 2 ले लेते हैं कॉमन, फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व इट, राइट? सो इफ वी कैन नॉट सॉल्व एनी पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, देन व्हाट टू डू? देन वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड, इफ यू रिमेंबर व्हाट इट वॉज, सबसे पहले हम रफ में या अपने माइंड में ऑरली या रफ में एक्स की वैल्यू बेटा 1 पुट करके देखते हैं कि क्या 1 पुट करके 0 आता है. देखो, पॉजिटिव 1 पुट किया है, 2 × 1³. आप इसको फेयर में भी कर सकते हो, अगर करोगे ही, अगर ऑरली नहीं करते, रिटर्न करते हो तो फेयर में कर लो. 1² (19 × 1 + 42) 2 - 5 - 19 + 42 44 - 24. तो 0 नहीं आया, इसका मतलब x = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है, अब पुट करते हैं -1 करेंगे, यहीं पे कर देते हैं.
माइनस वन क्यूब इज माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, माइनस फाइव इंटू वन माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 42, ये भी हमें दिख रहा नहीं होगा क्योंकि 42 प्लस 19 61 माइनस माइनस वाले नंबर तो छोटे ही हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन पे भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, x इज इक्वल टू माइनस वन इज ऑल्सो नॉट द जीरो. नाउ वी विल ट्राई फॉर x इज इक्वल टू टू, टू पे ट्राई करते हैं. वैसे क्या होता है पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके फैक्टर्स ट्राई करते हैं, यहाँ 42 है, 42 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, 2, देन 3 इज आल्सो देयर, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 21, 3 1 3 4, 3 1 3, ये सारे कितने सारे फैक्टर्स है. तो पहले हम छोटे नंबर ही लेते हैं, 1 माइनस 1 पे नहीं हुआ, फिर 2 माइनस 2 पे देखेंगे. ठीक है, यस युग मैम, 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, यस. हाँ, वैसे जैसे मैंने आपको बताना है, मान लो यहाँ पर होता 15, जनरल सुन लो, मान लो यहाँ होता 15, आपने 1 और माइनस 1 से किया नहीं हुआ, फिर आप 2 से मत ट्राई करना क्योंकि 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि 2 और माइनस 2 से तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो नंबर भी फैक्टर होता है मतलब जिसपे भी वो जीरो आता है वो दैट नंबर इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द कॉन्स्टेंट नंबर विच इज देयर इन द पॉलिनोमियल. अगर 15 हो तो 2 और माइनस 2 पे तो जाएगा ही नहीं. ठीक है, चलिए, एनीवेज वी हैव हियर 42, नाउ वी आर गोइंग एट x, फॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x स्क्वायर, 8 2 16 2 cube 8 8 2 16, युग म्यूट करो बेटा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 38 प्लस 42, 16 माइनस 20 माइनस 38 प्लस 42, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, इट विल बी माइनस 58, 42 प्लस 16, 48, 58, ये आ गया जीरो. ये आप सॉल्व करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2, अगर आप सॉल्व नहीं, क्योंकि 2 पे तो करना ही पड़ेगा ना बेटे, ज्यादा से ज्यादा 1 और माइनस 1 पे और नहीं कर सकते हो, 2 माइनस 2 पे तो सॉल्व करना ही पड़ता है. सो व्हेन यू आर सॉल्विंग सॉल्व इट इन हियर, नाउ यू केम टू नो दैट एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू इज कमिंग टू बी 0, आप लिखोगे देयरफॉर x 2 क्या है उसका 0, जो x की वैल्यू आती है वो क्या होती है 0, लेकिन फैक्टर क्या होता है 2 इज नॉट द फैक्टर. किसी पॉलिनोमियल का अगर हमें कहना है कि किसी पॉलिनोमियल का कोई पॉलिनोमियल फैक्टर है, फैक्टर हमेशा क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल ही, कोई नंबर, एक नंबर, अ नंबर कैन नॉट बी द फैक्टर. फैक्टर हमेशा कैसे होगा पॉलिनोमियल की फॉर्म में, मींस वी विल राइट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, इसको मान लेंगे px. ठीक है, पीस क्या है फैक्टर. तो सो वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि अगर किसी पॉलिनोमियल का, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर 0. ठीक है, अगेन इफ एनी पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल देन ऑन डिवाइडिंग वी विल ऑलवेज गेट द रिमाइंडर 0. तो अब आपको पता चल गया, अब मींस हमने इसको फैक्टराइज करना है ना बेटे. इनिशियली मैंने आपको बताया था इसको फैक्टराइज करने का मतलब हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आएंगी, एक तो हो गई x माइनस 2, दो और चाहिए, दो और कैसे आएंगी, डिवाइड करोगे इसको इसके साथ, रिमाइंडर आएगा 0 एंड यू विल गेट सम कोशेंट विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे. याद आया मेथड? तो अब इसमें हमें करनी पड़ती है लॉन्ग डिवीजन. तो ये डायरेक्टली 4 या 5 मार्क्स में सम आता है क्योंकि इसमें आपको हिट एंड ट्रायल भी यूज किया आपने, फिर इसमें आप डिवीजन भी कर रहे हो, फिर इसमें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व भी करोगे.
So many things we have to do in one question. So directly sometimes this question comes in 4-5 marks. So let us start dividing everyone. चलो पहले देखो, then I'll give you one another question for division question. Now बेटा you have x, you want first हम देखो 2x cube. X है आपको क्या चाहिए 2x cube. It means आपको क्या चाहिए और एक 2 और x square. So you will multiply x with 2x square. X into 2x square is 2x cube. Then अगर x को multiply किया है तो minus 2 को भी करना पड़ेगा. किससे? उसी क्वेश्चन से. Minus 2 into 2x square is minus 4x square. So minus 4x square, x square की टर्म के नीचे आ जाएगा. मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करते हैं. हमेशा फर्स्ट टर्म तो कैंसिल ही हो जाती है साइन चेंज करने के बाद. उसके बाद चेंज साइन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना है. माइनस 5x, और जल्दी जल्दी नहीं मचानी है ये सम करने में. ठीक है, इफ यू आर यू हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड से कर रहे हो, बट यू हैव टू डू दिस सम वेरी केयरफुली. थोड़ा ध्यान से करना है, हॉट वॉच नहीं मचाना. ठीक है, जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में बेटा, अगर एक मान लो यहाँ पर आएगा माइनस 1x स्क्वायर, आपने ध्यान नहीं दिया, 9 लिख दिया, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 लिख दिया, आगे सारा सम गलत, क्वेश्चन गलत, सिर्फ 1 या 1.5 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, ध्यान से करना है. माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, चेंज साइन को देखना क्या आएगा, माइनस 1x स्क्वायर. चाहे माइनस 1x स्क्वायर लिखो, चाहे माइनस x स्क्वायर लिखो, 1 ना लिखो, 1 एंड द सेम थिंग. फिर बाकी के टर्म्स ऐसे ही, माइनस 19x प्लस 40. अब अगेन आपके पास क्या है, x है, आपको क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए. सो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, माइनस एक्स से. एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहां क्या लिखोगे आप, माइनस एक्स, क्योंकि अब हम एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स से. वन हटा दो चाहे. एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस टू इंटू माइनस एक्स, माइनस टू इंटू माइनस एक्स बेटा प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स. साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इट विल गेट कैंसल. नाउ माइनस 19x माइनस 2x, बोथ आर नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस 21x प्लस 42. कम होता जा रहा है ना. अब x है, क्या चाहिए, माइनस 21x, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 21 से. सो माई x इंटू माइनस 21 इज माइनस 21x, माइनस 2 इंटू माइनस 21 इज प्लस 42. ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस. और हमेशा आप ये ध्यान रखना जीरो ही आएगा, क्योंकि x ये फैक्टर है. हमने अभी पुट करके देखा, x माइनस 2 फैक्टर आया. मान लो आपका जीरो नहीं आता बेटे, तो इसका मतलब कहीं आपने गड़बड़ की है. इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? सो डिवीजन करने के बाद बेटा आप क्या लिखोगे, ऐसे px इज इक्वल टू, ये जो सारा पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू x माइनस 2 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या है, ये जो हमारा क्या आता है, क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अब आप अपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लो. इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड टेल मी द आंसर. ल
लंबे होते हैं बेटा, बड़े होते हैं ये सम्स। यस दिव्या मैम, x प्लस 3 और 2x प्लस 7। यस युग, x माइनस 3, 2x प्लस 7। ओके, लेट अस चेक दिव्या, x प्लस 3 है कि x माइनस 3? मैम x प्लस 3। अच्छा ठीक है, लेट अस चेक नाउ बेटे, हियर द सम इज माइनस 1, यहाँ क्या है 1, एंड द प्रोडक्ट इज माइनस 21 इंटू 2 माइनस 42। प्रोडक्ट क्या है माइनस 42, तो हमें दिख रहा है 7 6 42 होता है। सम क्या चाहिए? माइनस 1, तो बड़ा नंबर का सा लिखेंगे नेगेटिव। माइनस 7 प्लस 6 इज माइनस 1 एंड माइनस 7 इंटू 6 इज माइनस 42। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा जैसे आपके पास आया ना माइनस 7x प्लस 6x, आपको दिख रहा है कि 7 इसके साथ फैक्टराइज होगा 6 इसके साथ, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21। इन ऑर्डर टू मेक योर कैलकुलेशन बिट इजी, अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखते हो फिर आप यहां से सिर्फ x कॉमन ले सकते हो। ऐसे मैंने दोनों तरीके से कर दिया, और अगर ऐसे लिखते हो तो 2x x प्लस 3 माइनस 7 x प्लस 3, तो 2x माइनस 7 x प्लस 3। सो आई थिंक दिव्या, पता नहीं आपने माइनस बोला था प्लस, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो व्हाट विल बी योर आंसर? Px is equal to x minus 2 और quadratic polynomial से हमें क्या मिला 2x minus 7 and x plus 3। So this is the last answer. Okay? Yes. मैम या तो 2x plus 7 into x minus 3 आना चाहिए या 2x minus 7 into x plus 3 आना चाहिए। मैम वो दिव्या के दोनों माइनस आए हैं। दोनों माइनस आए हैं तो गलत है। हाँ या नहीं, बस यही आंसर आना चाहिए 2x plus 7 x minus 3 थोड़ी आ सकता है। मेरा तो ये आया 2x plus 7 into ना, जैसे मर्जी करो। देखो अगर टाइम माइनस 7x plus 6x, 7 के साथ माइनस ही लगना है, तुमने 7 के साथ प्लस ना लगा दिया हो। मैंने 7 के साथ प्लस लगा दिया, 6 के साथ माइनस लगा दिया, तो गलत है ना बेटे, वो गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपको सम क्या चाहिए? सम क्या चाहिए युग? मैम 1, मैम पर हम माइनस 6 प्लस 7 करते हैं फिर भी तो 1 नहीं आता है। माइनस 6 प्लस 7 मैंने कब किया है? मैंने प्लस 6 माइनस 7 किया है। यस माइनस 1 चाहिए सम, तो समझ आ गई ना। तो आपको पहले भी बताया है whenever you are factorizing middle term splitting कर रहे हो, only one pair will satisfy the polynomial. ऐसे नहीं है कि ये number भी है और कोई और pair भी हो सकता है, not at all possible. Only one pair will satisfy the given polynomial. 7 minus 6 आपके product को तो satisfy कर रहा है, लेकिन आपके sum को satisfy नहीं कर रहा। 7 plus minus 6 तो 1 आएगा, आपको minus 1 चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है युग? ठीक है। Yes. So this is the ultimate answer. Now I will be giving you one more polynomial beta to solve. Everyone you will solve. I will take only one question of this type. ऐसा एक ही question लेंगे जिसमें आपने middle term splitting करनी है। X cube minus 3x square माइनस 9x माइनस 5, इसको px ले लो, फैक्टराइज।
एवरीवन डोंट सिट फ्री, पुट करके देखो फिर डिवाइड. नाउ लेट अस डिस्कस बेटे. नाउ वी विल ट्राई फॉर एक्स वन. 1 - 3 - 9 - 5. X is equal to 1 is not possible. Then X is equal to minus 1. Minus 1, minus 3, plus 9, minus 5, 6, 7, 8, 9. So you can see at X is equal to minus 1, we get the value 0. Yes, Dhiren. Means X is equal to minus 1 is the 0 of Px. This is the 0. मतलब जो नंबर डालने पे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए वो नंबर क्या होता है? जीरो. दिस इंप्लाइज फैक्टर क्या होगा? माइनस वन को इधर ले जाओ. एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. नाउ व्हेन दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स वी विल डिवाइड. एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. And we are going to divide with x plus 1. X hai x cube. So we will multiply with x square. It is x cube. 1 into x square plus 1 x square. Sign change. Minus, minus. Ye kat gaya. Minus 4 x square minus 9 x minus 1. Then we have x. We want minus 4 x here. हमारे पास एक ही x है, तो एक हमें minus चाहिए, एक हमें 4 चाहिए और एक x square. X into minus 4 x will become minus 4 x square. 1 into minus 4 x is minus 4 x. Plus plus. ये कट गया. Minus 9 x plus 4 x is minus 5 x minus 5. माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव. एक्स है माइनस फाइव एक्स चाहिए, सो वी विल मल्टीप्लाई विद माइनस फाइव एक्स. माइनस फाइव एक्स. वन इंटू माइनस फाइव इज माइनस फाइव. साइन चेंज. प्लस प्लस कट गया. रिमाइंडर आ गया जीरो. इसका मतलब अब हमारा पी एक्स क्या है? एक तो हमारा ये जो फैक्टर था एक्स प्लस वन, और एक हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव. ये थोड़ा आसान था, सिंपल था. जैसे हमने जो लास्ट वाला किया दैट वाज अ बिट टाइम टेकिंग, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, कैलकुलेशन ज्यादा थी. ये थोड़ा ये सिंपल है. अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे. सम माइनस फोर प्रोडक्ट इज माइनस फाइव इंटू वन. टेल मी द फैक्टर्स. हरी अप. Be quick. फैक्टर्स बनाने हैं हमने प्रोडक्ट से ही. सम चाहिए माइनस फोर, प्रोडक्ट चाहिए माइनस फाइव. कैन वी राइट माइनस फाइव इन कॉमा वन? माइनस फाइव प्लस वन इज माइनस फाइव माइनस फोर, एंड माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वन इज माइनस फाइव. सो नाउ अगर हम इसको उठाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, x square minus 5x plus 1x minus 5. जिस नंबर के साथ नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव रहेगा, जिस नंबर के साथ पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x square plus 1x minus 5x minus 5. उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव वाला नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नंबर पॉजिटिव. अब इधर देखो, अगर मैं पहले माइनस फाइव एक्स लिखती हूँ, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? एक्स. व्हाट आई एम लेफ्ट विद? एक्स माइनस फाइव. यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है? वन. एक्स माइनस फाइव, क्योंकि फाइव भी क्या है? फाइव इंटू वन. सो आवर एग्जैक्ट आंसर इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. Then one more x plus 1 and one x minus 5.
नोट कीजिए, ये ट्राई करना। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 एंड वन मोर ओके तो आर द क्वेश्चन विजिबल काइंडली नोट डाउन क्विकली बेटा दीज टू सम्स अगेन यू हैव टू फैक्टराइज बोथ आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू डू द लॉन्ग डिवीजन एंड सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जस्ट ट्राई दीज टू क्वेश्चंस And again, I am saying send your notebooks for checking, right? I am not going to call every one of you. I will be asking in the class only. भेज दोगे तो ठीक है, नहीं भेजोगे बेटा तो आपके जीरो लगाने हैं हमने. बार बार नहीं मांगेंगे. क्लास में मैं बोल दूंगी. बट अगर आप सोचो आपको फोन करते रहेंगे कॉपी भेजो ठीक है नंबर आपके हैं इट्स ओके. हाँ जी दिव्या मैम x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10 सॉल्व कर लिया यस मैम एक मिनट रुक जा दोबारा बोलो अरे दोबारा बोलो बेटा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10 बिल्कुल ठीक है बेटा अदर्स आल्सो ट्राई द क्वेश्चन राइट सी शी हैज डन ओनली इन 2 मिनट्स व्हेन यू आर इनटू द प्रैक्टिस हाउ टू डू द सम्स एंड यू कैन डू द सम्स क्विकली ऑलराइट एवरीवन सी यू टुमारो बेटा टेक केयर